तालिबान उसके साथ साथ चल रहा नापाक पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसे और भी देशों के साथ की जरूरत है। सिर्फ चीन का साथ देकर वो हर एक जंग नहीं जीत सकता, जैसे उसने कश्मीर की जंग को चीन के साथ जीतने की कोशिश की लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद उसने और देशों का रुख किया लेकिन पाकिस्तान के रुख से पहले से ही नाराज और देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो पाक बौखला गया और अब सजा भुगत रहा है। जी हाँ, ओआईसी पर जिस देश का दबदबा है पाकिस्तान ने उसी को चेतावनी दे दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की सऊदी अरब को कश्मीर पर चेतावनी देने वाली गलती की माफी मांगने पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब गए तो थे लेकिन अब वहां से खाली हाथ लौट आए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए बाजवा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन दोनों देशों के बीच आए मनमुटाव की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। क्राउन प्रिंस सलमान ने बाजवा से मिलने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सऊदी ने पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सम्मानित करने का भी ऐलान किया था लेकिन रियाद प्रशासन ने उसे भी कैंसिल कर दिया। अब जब वहां तक बाजवा गए थे तो सऊदी अरब के सेना प्रमुख फैयद बिन हामिद अल जुबैरी से ही मुलाकात कर लौट आए। वैसे मुलाकात के दौरान बाजवा ने सऊदी अरब को और अधिक सैन्य मदद देने की इच्छा भी जाहिर की लेकिन इस लुभावने वादे का लगता नहीं कि सऊदी अरब पर कोई खास असर होने वाला है। सऊदी अरब का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ये भूल गए थे कि आखिर वो बात किससे कर रहे हैं। कुरैशी ने कश्मीर मामले को लेकर सऊदी अरब के रुख की सार्वजनिक निंदा की थी। सऊदी को धमकी देते हुए कश्मीर पर जो मुस्लिम देश साथ हैं उनकी अलग से बैठक बुलाने का ऐलान किया था। कुरैशी ने कहा था सऊदी ओआईसी को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खड़ा होने नहीं दे रहा है। कुरैशी ने कहा था ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक बुलाने में हीला हवाली बंद करे। पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए लगातार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में कुरैशी ने कहा था पाकिस्तान और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जिसका असर यह हुआ कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $6.2 बिलियन की फाइनेंशियल डील को कैंसिल कर दिया और उधार तेल और गैस देने पर भी रोक लगा दी। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की कुर्सी जाना लगभग तय है और कुरैशी के रवैये से सिर्फ सऊदी अरब ही नाराज नहीं है बल्कि इसकी सार्वजनिक निंदा की गई है। कुरैशी को अपने घर की मीडिया से भागना पड़ रहा है। अपने ही देश की विपक्षी पार्टियों ने कुरैशी के बयान को लेकर उस पर कटाक्ष किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने मामले को लेकर सफाई देने की भी कोशिश की थी। विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा था कुरैशी का बयान देश के लोगों की ओआईसी से कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की इच्छा और आकांक्षा को दर्शाता है। प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा था कि देश के लोगों की ओआईसी से काफी अपेक्षा है। वो चाहते हैं कि ओआईसी कश्मीर मुद्दे को दुनिया भर में उठाए। विदेश मंत्रालय ने आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रखने की बात कही थी। माना जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेड़ियों से मुक्त किए एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन फिर भी इस तरह से हाथ पैर मारने के बावजूद पाकिस्तान को कहीं से भी सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही थी। तो कहा यह जा रहा है कि देश की सेना के कहने पर ही कुरैशी ने यह बयान दिया है और अब क्राउन प्रिंस सलमान के रुख से शाह महमूद कुरैशी समेत पूरे पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है।